आज मैं आपको पिज्जा बनाना बताती हूँ कैसे बनाया जाता है। ये बहुत इजी रेसिपी है और इसे मैं बिना ओवन के बनाऊंगी। अब मैं इसके लिए आपको बताती हूँ किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। 2 कप मैंने मैदा लिया है, 1/4 कप दही, 2 टीस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मैंने पिसी हुई चीनी ली है। अब मैं आपको बताती हूँ ये सेब बनाना कैसे है। देखिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं इस मैदा को डाल देती हूँ, इसके अंदर दही, ऑयल, बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक, बेकिंग सोडा। अब इसमें मैं पानी डाल करके इसका डो बना लूंगी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर डालना है। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देती हूँ। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है इसमें। और इसका डो बिल्कुल चपाती जैसे बनाते हैं उस तरीके से बनाना है। देखिए इस तरीके का हमें डो चाहिए। अब मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेकर के इसको चिकना कर देती हूँ। देखिए ये डो बन गया है। अब मैं इसे सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। देखिए सीट से मैं इसको कवर कर देती हूँ इस तरीके से। और इसको इस तरीके से ढक करके 1 घंटे के लिए रख देती हूँ मैं। 1 घंटा हो गया है, अब ये डो भी सेट हो गया है। अब मैं इसको हाथ से और चिकना कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से चिकना करना है। देखिए अब मैं इस डो को इस पर रख करके अच्छे से मिस लूंगी। बिल्कुल स्मूथ डो चाहिए मुझे। देखिए अब डो चिकना हो गया है। अब मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से और इसका इस तरीके से। अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखा पाउडर लगाऊंगी। और ये अब मैं इसको इस तरीके से बेल देती हूँ। आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं इसको। देखिए ये मैंने बना लिया है। अब मैं इसको कढ़ाई में पिज्जा बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं इस प्लेट पे ये ऑयल लगा देती हूँ इस टाइप से। अब मैं इस पिज्जा को इस पे इस तरीके से रख देती हूँ। देखिए और फॉक से इसको इस तरीके से कर देती हूँ। और गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है नमक डाल करके। अब मैं इसमें देखिए ये वेजिटेबल डालूंगी। वेजिटेबल आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैंने ये 3 तरीके शिमला मिर्च, गाजर,
मटर, प्याज, स्वीट कॉर्न लिए हैं। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। देखिए, पहले मैं पिज्जा सॉस लगाती हूँ इसके अंदर। देखिए, ये मैंने चीज लिए, मोजरेला चीज है, इसमें थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। चीज आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर वेजिटेबल डालूंगी। शिमला मिर्च ग्रीन, रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, मटर, कॉर्न और मैं ऊपर से थोड़ी सी चीज और लगा देती हूँ इसमें। और थोड़ी सी ये मिर्च बड़ी बड़ी लगा देती हूँ जिससे कि देखने में ये अच्छा लगेगा। ग्रीन, येलो, मैं ऊपर से इसमें चीज और लगा देती हूँ थोड़ी सी, बस इसमें थोड़ी सी ही डालूंगी। अब जो मैंने मसाले लिए हैं वो डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें, भुना वाला जीरा, चाट मसाला, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स। अब मैं ऑरिगेनो डाल देती हूँ। अब मैं आपको पका के दिखाती हूँ कैसे बनाना है इसको। देखिए, मैंने गैस पर कढ़ाई रखी हुई है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक आप पहले का यूज करा हुआ भी रखा हुआ है तो आप उसको डाल सकते हैं। मेरा पहले का यूज करा है वही मैंने नमक लिया है और इसमें स्टैंड रख दिया है। और 10 मिनट हो गए हैं मुझे इस गरम करे हुए नमक को। अब ये नमक गरम भी हो गया है। अब मैं इस प्लेट को इसके ऊपर रख देती हूँ इस तरीके से। और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है और इसे सिकने में 20 से 25 मिनट लगेंगे और बीच में मैं देख लूंगी सिका है कि नहीं। देखिए, पिज्जा बनने में 35 मिनट का करीब टाइम लगा है और ये पिज्जा बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा पिज्जा बना है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और आपको पिज्जा निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा पिज्जा बन के तैयार हुआ है। अगर ये आपको पसंद आता है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए नमस्कार।